हेलो एवरीवन, स्वागत है दोबारा हमारे वीडियो में। इस वीडियो में सब्जेक्ट है एजुकेशन इंजीनियरिंग, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं पिछले क्लास से। लैंड क्लियरिंग, द लैंड क्लियरिंग इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड ट्रीज, बुशेस, वेजिटेशन, ट्रैश, बोल्डर्स फ्रॉम द एरिया स्पेसिफिक फॉर लैंड ग्रेडिंग। The land clearing operation involves heavy earth moving machinery such as bulldozers, root racks, stumpers, root clusters, rotary choppers and other appropriate machinery. तो मशीनरीज के बारे में हम लोग लैंड क्लियरिंग में ही आगे देखेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पे। Leveling layout of field for irrigation and drainage system. The location of field boundaries, irrigation water supply system, drains and farm roads and other physical features are required to be known prior to land leveling. तो एक farm है, उसका design जो है हमारे according to need और field condition के according design किया जाता है पूरे farm को, कि कौन सी जगह पे क्या होना चाहिए, wells होनी चाहिए एक farm में, और हमारा farm house जो है वो कहाँ पे बनना चाहिए, field कहाँ पे होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके basis पे जो है farm जो पूरा design किया जाता है। तो लोकेशन ऑफ फील्ड बाउंड्री, इरिगेशन वाटर सप्लाई सिस्टम, फार्म रोड जो है वो नेसेसरी होते हैं एक फार्म में, उनका डिज़ाइन जो है अच्छी तरीके से किया जाता है। द लेवलिंग प्लान शुड इंक्लूड एस्टिमेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क फॉर कट एंड फील। देयर शुड बी प्रॉपर रेशियो बिटवीन एक्सकवेशन एंड फील। तो ये चीज़ें मैं पहले ही बताया कि कट एंड फील का जो रेशियो वो मेंटेन हो चाहिए किसी भी फील्ड के लिए। बहुत ज़्यादा कट करके फील पूरे सॉइल को फील किया जाए तो ये बहुत अननेसेसरी और इकोनॉमिकल नहीं होता ये चीज़। तो कट एंड फील रेशियो जो है वो बहुत ही मिनिमम होना चाहिए किसी भी कंडीशन में लैंड लेवलिंग करते समय किसी भी फील्ड के लिए। द प्लानर शुड कंसिडर एनी विजुअलाइज ऑल पॉसिबल लेआउट्स एंड द वन बेस्ट सूटेड टू द साइट शुड बी सिलेक्टेड कंसिडरिंग वाटर एप्लीकेशन मेथड, क्रॉप्स टू बी ग्रोन, फार्मर्स चॉइस इन मेकिंग लेआउट। Planner should also consider location, size of drainage, irrigation ditches, pipeline location for water supply, ease access of movement of farm machinery or field, provision of combination small field to larger fields and changing cropping pattern. तो layout decide करने के लिए planners को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। डिटेल यहाँ पर और डिस्कस किया गया है प्लान एंड स्पेसिफिकेशन लेआउट के लिए। तो फर्स्ट जो है प्लान एंड स्पेसिफिकेशन में आता है फील्ड अरेंजमेंट, लेइंग आउट फील्ड ऑफ वर्केबल साइज एंड शेप इज इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल इरीगेशन फार्मिंग। द फील्ड आर लेड आउट एज नियरली रेक्टेंगुलर एज पॉसिबल। शार्प टर्न इन फील्ड बाउंड्रीज शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ मूवमेंट यूज एंड मूवमेंट ऑफ फार्म इक्विपमेंट्स। तो फील्ड अरेंजमेंट में यह सारी चीज़ें कि जो फील्ड है उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, साइज और शेप कैसा मेंटेन किया जाना चाहिए, जो रेक्टेंगुलर रखा जाता है और शार्प टर्म्स को अवॉइड किया जाता है। द फील्ड लेंथ इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम अलाउएबल लेंथ ऑफ रन फॉर इरिगेशन मेथड सिलेक्टेड। द फील्ड लेंथ मे बी इक्वल टू सिंगल रन लेंथ और मल्टीपल ऑफ द रन लेंथ। तो एक पूरे फील्ड का जो फील्ड स्ट्रिप जो डिजाइन किया जाता है, मतलब एक किसी फील्ड बोल लेवल करने के बाद उसमें बहुत सारे और छोटे छोटे सब डिविजन बनाए जाते हैं ताकि जो है उसमें इरिगेशन किया जाए तो वो एक्सेस वाटर का यूज ना हो, मतलब वाटर वेस्टेज भी मिनिमम हो और पूरा जो फील्ड है वो इरिगेट हो सके। तो उस कंडीशन के लिए छोटे छोटे सब डिविजन को डिवाइड करने के बाद उस प्रॉपर सब डिविजन को भी एक लेवल ग्रेड मेंटेन किया जाता है। देन आगे देखते हैं, आपने एक टेबल दिया हुआ रिकमेंडेड लेंथ ऑफ रन फॉर प्रॉपर बॉर्डर स्ट्रिप एंड फॉर मेथड्स ऑफ इरीगेशन। तो ये सारी चीज़ें हम इरीगेशन मेथड्स के अंदर में भी देखेंगे, आप स्किप करते हैं। देन नेक्स्ट है फील्ड रोड सिस्टम। फील्ड रोड इज मेड टू प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल एरियाज ऑफ द फार्म फॉर इक्विपमेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फार्म प्रोसीजर प्रोड्यूस एंड ऑपरेशन ऑफ इरीगेशन सिस्टम। Normally, field roads are located at higher elevation than irrigation channel and allowed below by field drains.
फील्ड रोड मतलब फार्म में जो रोड है उसका कंस्ट्रक्शन भी लेआउट को देखते हुए मतलब प्रॉपर डिजाइन और प्रॉपर हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के साथ में जो डिसाइड किया जाता है कि रोड किस पोर्शन पे होना है और हायर एलिवेशन पे जनरली रखा जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है ड्रेनेज प्रोविजन टू बी मेड टू ड्रेन द एक्सेस रेनफॉल प्रॉम्प्टली एंड सेफली। इफ द लैंड इज नॉट नेचुरली वेल ड्रेन आर्टिफिशियल ड्रेनेज मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड अलॉन्ग विद द इंस्टॉलेशन ऑफ इरीगेशन सिस्टम सीपेज फ्रॉम ओवर इरीगेटेड एरिया at higher elevation and irrigation canals can damage land in low-lying areas. Interceptor drain may be necessary at the upper boundaries of the low-lying area to divert the seepage and prevent waterlogging. So drainage provision भी जो है किसी भी field में किसी भी irrigation field में जो बहुत necessary होती है cropping करने से पहले ताकि जो वो excess water rainfall की वजह से हो सकता है या irrigation की वजह से आ सकता है field में उसको जो है remove कर सके completely और efficiently। और लो लेइंग एरियाज मतलब हाईलैंड्स या हिल्स की बात की जाए तो हाईलैंड से जो इरिगेशन वाटर एक्सेस इरिगेशन वाटर रन ऑफ की जो आता है हाई एरिया से लो एरियाज में तो वो लो एरियाज में जो है वाटर लॉगिंग कंडीशन क्रिएट कर सकता है तो उसको भी इंटरसेप्टर ड्रेन्स का यूज़ करके लो लेइंग एरिया स्टार्टिंग में है उसको इंटरसेप्ट किया जाता है और उसको फील्ड में आने से रोक के उसको फिर डाइवर्ट किया जाता है किसी चैनल में। देन नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे सर्विंग एंड स्टॉकिंग लैंड लेवलिंग के लिए सर्वे एंड स्टॉकिंग। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर में लैंड लेवलिंग डिजाइन। इन ऑर्डर टू कैरी आउट लैंड लेवलिंग प्रोग्राम टोपोग्राफिक सर्वे इज परफॉर्म द फील्ड इज डिवाइडेड इन द रीजन ग्रिड्स ऑफ इक्वल साइज। तो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि कोई एक फील्ड है उसको लैंड लेवलिंग से करने के लिए हमको क्या क्या सर्वे करना पड़ता है। मतलब सर्वे के बारे में तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब इसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि क्या क्या सर्वे करके हम लैंड लेवलिंग डिजाइन जो कैसे कर सकते हैं। तो फिर पूरे फील्ड को जो है ग्रिड्स में डिवाइड किया जाता है, मतलब छोटे छोटे सब डिविजन में डिवाइड किया जाता है। जनरली ग्रिड ऑफ 15x15 और 30x30 का जो है यूज किया जाता है। द साइज ऑफ ग्रिड डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ प्रिसिशन रिक्वायर्ड। तो जो फील्ड को है अगर बहुत ज़्यादा प्रिसिशन रिक्वायर्ड है हमको ग्रेडिंग के लिए तो उसको और छोटे छोटे ग्रिड्स में डिवाइड कर सकते हैं। द ग्रिड पॉइंट्स आर लोकेटेड बाई एस्टेब्लिशिंग टू और मोर बेस लाइन इन ईच डायरेक्शन देन टू साइट इन द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिक्स। The elevation at each stage are determined using the dummy level. The normal procedure of survey is adopted for determination of elevation based on the observation of staff reading. The reduced level of grid point are estimated. The contour line are drawn using the elevation values and contour map is prepared for the field. Then next procedure for determination of centroid of a field. तो कोई field है उसके centroid निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले तो यहाँ पे देखते हैं जो फर्स्ट प्रोसीजर देखे हैं उसको उसके बारे में। इस फिगर में देखते हैं जो फर्स्ट प्रोसीजर हम लोग ने बात किया जिसके बारे में अभी, तो उसमें क्या करते हैं फील्ड होता है उसको छोटे छोटे ग्रिड्स में डिवाइड करते हैं और उसमें पॉइंट्स सिलेक्ट करके उसके मतलब एक अप्रॉक्स जनरल पॉइंट पे या फिर फील्ड के क्रॉसिंग पॉइंट्स पे जो ग्रिड्स क्रॉसिंग पॉइंट जो होते हैं उस पॉइंट पे जो एलिवेशन मेजर करते हैं बाय द यूज ऑफ डंपी लेवल। और जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं एलिवेशन मेजर करने के वो उन सब चीज़ों की साथ में मदद से जो प्रोसीजर होते हैं उनके बाद इसके बाद हम जो फील्ड होते हैं उनके जो डिफरेंट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करके एक शीट में स्टेट का जो है फिगर बना लेते हैं और सभी पॉइंट्स के जो एलिवेशन वहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ये हो गया जो है फील्ड का लेआउट प्रैक्टिकली कैसे किया जा सकता है। देन सेंट्रॉइड मेजर करते हैं उस फील्ड का, मतलब सेंट्रॉइड किस लोकेशन पे होगा ये निकालना है अपने को। द फील्ड कुड बी रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर और इरेगुलर इन शेप। द सेंट्रॉइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल वेयर इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ड्रॉन from its corner to mid
ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगुलर फ्रेम। तो ये तो है, हो गया जो है स्टैंडर्ड जो होते हैं रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर, तो ये जो कि स्टैंडर्ड्स हैं। तो जनरली ये फील्ड इन शेप्स में ना होकर एक रेगुलर शेप में होता है, तो उसके सेंट्रॉइड निकालने के लिए अभी आगे देखेंगे हम लोग क्या करते हैं। इन केस ऑफ द रेगुलर फील्ड द एरिया इज डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ सेंट्रॉइड। द सेंट्रॉइड इज लोकेटेड बाय कंप्यूटिंग मोमेंट्स फ्रॉम टू रेफरेंस लाइन एट राइट एंगल टू ईच अदर। द डिस्टेंस टू द सेंट्रॉइड ऑफ द फील्ड फ्रॉम एनी लाइन ऑफ रेफरेंस is equal to the sum of the products obtained by multiplying the area of each part times the distance from the line of a reference to its centroid divided by the total area of the field. By computing the distance to centroid from two lines of reference perpendicular to each other, exact point of centroid can be obtained. So, ये जो method है centroid निकालने का, इसके बारे में detail आप लोगों ने surveying and leveling में भी पढ़ा होगा। प्रैक्टिकली जो है कोई फील्ड रेगुलर शेप का है तो उसको रेक्टेंगल्स और ट्रायंगल्स में डिवाइड करके, राइट एंगल ट्रायंगल्स में डिवाइड करके उसके जो सेंट्रॉइड मेजर किया जाता है, फिर उन सब जो शेप्स हम क्रिएट किए होते हैं फील्ड में उनकी मदद से फिर पूरे जो फील्ड का सेंट्रॉइड निकाला जाता है। आप एग्जाम्पल देखते हैं, कंप्यूट द एलिवेशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। Steps are to get to carry out leveling work of the field. The elevation at grid point as obtained from topographic survey are stated below. तो ये जो है points, इसके पहले में जो figure दिखाया उसी के basis पे निकाला जाता है। Different points पे जो elevation है वो एक पूरे जो grid के लिए measure किए जाते हैं वो है। तो इसमें क्या करते हैं सेंट्रॉइड मेजर करने के लिए रेक्टेंगुलर फील्ड के लिए पूरे जो एलिवेशन है जितने पॉइंट्स उनका सम किया जाता है और टोटल नंबर ऑफ स्टेशन जो होते हैं यहाँ पे 20 हैं तो 20 उसको डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब सम ऑफ एलिवेशन ऑफ द ग्रिड पॉइंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट्स। तो ये हमारा आ जाता है सेंट्रॉइड। और रेक्टेंगुलर के लिए तो लोकेशन, ये आ गया एलिवेशन सेंट्रॉइड का, और लोकेशन क्या हो जाएगा जो जो डायगोनल्स क्रिएट होंगे रेक्टेंगुलर पे इस पॉइंट से और यहाँ तक के लिए जो उसे जो क्रॉस सेक्शन रहेगा इंटरसेक्शन पॉइंट वो हो जाता है सेंट्रॉइड रेक्टेंगुलर पे। वैसे ही ट्रायंगल के लिए तो होता है जो उसके परपेंडिकुलर, मतलब दो साइड परपेंडिकुलर डालने के बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो हो जाता है। इरेगुलर शेप के लिए बात कर लिया हम लोगों ने कि कैसे मेजर करते हैं उसको, छोटे छोटे फील्ड और फील्ड पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे फील्ड्स में। रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर शेप्स में डिवाइड किया जाता है उस पूरे फील्ड को, उसके बाद फिर उसका मेजर किया जाता है जो सेंट्रॉइड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं उसके लिए भी। तो यहाँ पे देखते हैं ये एक फील्ड है जो कि परफेक्ट सर्कुलर नहीं है, तो इसको कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पे इरेगुलर शेप। परफेक्ट सर्कल तो है नहीं और फील्ड जनरली परफेक्ट सर्कल होता भी नहीं है। इसमें क्या करते हैं फील्ड को लेंथ वाइज एक रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, मतलब ये स्ट्रेट होगा या एक सेंटर पॉइंट होगा रेफरेंस पॉइंट, और उसके बाद इसको डिफरेंट शेप्स में डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक स्टेप्स है ट्रायंगल रेक्टेंगल, मतलब अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द जो है अकॉर्डिंग टू शेप जो है उसको डिवाइड करते हैं। और ये जो कर्व पॉइंट्स होते हैं इनको अवॉइड किया जाता है और फील्ड को जो है पूरे एक स्ट्रेट पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, मतलब एक कर्व अवॉइड करके इसको स्ट्रेट कर दिया जाता है ताकि जो है सेंट्रॉइड और जो लेवलिंग के जो क्राइटेरियाज हैं वो डिसाइड करने में आसानी हो उनको। तो अब ये चीज करने के बाद जो इस सेंटर पॉइंट से ये जो लाइन्स है परपेंडिकुलर इस फील्ड पर जो हम डाले हैं उसका जो लेंथ है मेजर करते हैं, और इस जो एक पर्टिकुलर जो शेप है वो उसमें हर शेप का एरिया मेजर करते हैं। उसके बाद जैसे इस पर्टिकुलर शेप के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो इसका जो लेंथ है और इस फील्ड का जो एरिया है उसका प्रोडक्ट हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट कर लेंगे। वैसे ही सारे शेप्स का करने के बाद उनका सम करेंगे
तो उसको हाँ उससे हमको मिल जाएगा फिर सेंट्रॉइड ऑफ द फील्ड। तो ये हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं लैंड लेवलिंग मेथड्स के बारे में। थैंक यू।